press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अमित जैन फिल्म्स। तो आज है 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। एंड आज हम मल्टीपल वीडियो शूट करने वाले हैं यार, क्योंकि मेरे 3000 किलोमीटर अप्रोक्स हो गए हैं बाइक के। तो एक तो रिव्यू बनाना है और एक माइलेज टेस्ट करना है आज ही, वो मैं एक ही वीडियो के अंदर कर दूंगा। मतलब वीडियोज़ अलग अलग आएंगी, बट दोनों टेस्ट एक ही बार में हो जाएंगे मेरे, क्योंकि मेरा टैंक ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। तो अभी इसको फुल करवाने वाले हैं और आज जा रहे हैं लोधी गार्डन। लोधी गार्डन पड़ता है आपका लोधी कॉलोनी के अंदर दिल्ली में, एंड काफ़ी फेमस है, लोग पिकनिक योगा वगैरह करने बहुत लोग आते हैं। तो वहीं पे आज एक शूट है छोटा सा कुछ फ्रेंड्स लोग के साथ, तो अभी वहीं जा रहा हूँ। तो पहले चलिए पेट्रोल फिल करवा लेते हैं, टंकी फुल, तभी माइलेज टेस्ट हो पाएगा। और आपको मैं सब किलोमीटर्स वगैरह पहले ही दिखा दूँगा टंकी एक बार फुल होने के बाद। एंड अप्रोक्स 30-40 किलोमीटर मेरे को लग रहा है आज मैं चल जाएगी दिल्ली के अंदर अंदर। तो उसके बाद दोबारा से मैं फिल करवाऊंगा पेट्रोल और फिर आपको उससे कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे क्या माइलेज देती है मेरी बाइक। मेरा मॉडल है अगस्त 2018 का। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हो गए हैं 2885। फुल करनी है भैया, टैंक पे मत गिरने देना और प्लस इसको नीचे ही रखना, इससे कभी ऊपर तक भर दो। हाँ, नोजल नहीं आएगा इसमें। तो गाइस, पेट्रोल फिल हो गया, अब चलते हैं लोधी गार्डन। आपको लोधी गार्डन के बारे में अगर पता नहीं है तो आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, काफ़ी पुराना गार्डन है जो कि 90 एकड़ में फैला हुआ है और सिटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। प्लस इसके अंदर 2-3 अलग अलग टोम्ब भी हैं जो रूलर्स थे 1444 कुछ तब के उनके। एंड काफ़ी अच्छा है, मैं एक बार गया था तो सुबह सुबह तो 10-11 बजे तक तो वहाँ पे योगा वगैरह ही चलता रहता है और काफ़ी लोग आते हैं। तो यूजली ये पार्क केवल पिकनिक, योगा, इस टाइप की चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। एंड आपको मैं दिखाऊंगा तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। चलिए, 12 बजे तक पहुँचना था मेरे को, 11:53 हो गए हैं, अभी भी दिखा रहा है 20 मिनट, लेकिन हम गूगल देवता को तो बीट कर देंगे। ये भी काफ़ी फेमस है, आप लोगों को अगर नहीं पता तो माया देवी ने बनवाया था, काफ़ी यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं वीकेंड्स में। ये भी एक दिन मैं कोशिश करूँगा कवर करने की। ये यूजली आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, माया देवी ने काफ़ी पैसे यहाँ पे लगाए थे हाथियों की मूर्ति बनाने में, हाथी उनकी पार्टी का निशान था। तो मेरी लास्ट वीडियो जो थी मैंने डाली थी मेरी फोग लाइट्स के ऊपर, एंड जो मैं क्रोल बाग की विजिट थी, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, क्वेश्चंस आए थे इंस्टाग्राम पे भी और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कि भाई आपने मेन चीज़ तो दिखाई नहीं है। तो यार मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा, मैंने बिल्कुल लास्ट में बताया था कि भाई काफ़ी अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि अंधेरे में वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है और मैं बस काम चलाऊ काम नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी। तो आई रियली सॉरी अगर किसी लोग, बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि यार क्या भाई आपने काम की चीज़ तो बताई नहीं। मैं उसकी वीडियो जल्द ही बना दूंगा और एक मैं खुद से भी इंस्टॉल करने वाला हूं, तो DIY भी आएगा उसका, आपको डोमिनार के अंदर कैसे क्या वायरिंग करनी है मैं पूरा उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी वीडियो, मेरी जो फोग लाइट्स इंस्टॉल की थी मैंने, उनके ऊपर बनाऊँगा। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई जब भी अब इतनी भी छुट्टियाँ होंगी, अगर मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, अगर दिल्ली के अंदर ही हूँ, तो मैं दिल्ली का कोई ना कोई एक की वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसकी शुरुआत आज वाले गार्डन से हो रही है। लोधी गार्डन काफ़ी फेमस है एंड काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ, इसीलिए आज मैंने सोचा कि जा तो रहा हूँ शूट के लिए, इसलिए जाते जाते एक लोधी गार्डन का व्लॉग भी हो जाएगा। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीकडेज में निकला हूँ दिल्ली के अंदर, नहीं तो मेरे को बहुत रेयर चांस मिलता है कि मैं दिल्ली के अंदर निकलता हूँ वीक डेज में। अरे यार फोन बंद हो गया साला, बटन ऐसी जगह देते हैं ना इनके फ़ोन्स के, तो हवा में नीचे आता है उसकी वजह से वो बंद हो जाता है। मैंने एक माउंट देखा है, मैं चेंज करवाने वाला हूँ, ये फ़ोन माउंट अच्छा नहीं है, काफ़ी आवाज़ करता है कुछ कुछ वीडियोज़ के अंदर, तो आपने बहुत ही गिनगिनी टाइप की आवाज़ सुनी होगी, घिर ऐसे आती है,
वो इसी के अंदर से आती है। मेरे ना एक इस फ़ोन की खासियत या आप लगा लो मेरे को फ़ायदा लगता है कि इसकी डिस्प्ले मेरी ग्लव्स के अंदर भी काम करती है, जबकि मेरे ग्लव्स हैं ना जो वो टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन मेरा पुराने वाला फ़ोन था वो काम नहीं करता था। पता नहीं इसकी डिस्प्ले कुछ अलग टाइप की है कैसे है, बट काफ़ी बेनिफिशियल्स है। मैंने बिल्कुल एक दिन ऊन के ग्लव्स पहने हुए थे, उसके अंदर भी बिल्कुल सही काम कर रही है। तो भाई पहुंच गए हैं हम लोधी गार्डन, बस एक बार देख लूं कहां पे खड़ी है सर लोग की गाड़ी। तो जी 3 मिनट पहले पहुंच गए और एवरेज स्पीड थी 47 की। टाइम लगा 9 मिनट। चलिए गाइस मिलता हूँ अब अंदर आपको। ओके गाइस, सो तो अभी हम आ गए हैं लोधी गार्डन के अंदर और मेरे साथ है वीकेंड फोटोग्राफी पीपल, तो धर्म भाई हैं। आपने मेरी लखनऊ व्लॉग्स देखे होंगे तो धर्म भाई मेरे साथ थे, एंड संजीव भाई हैं और ये अनीश भाई हैं, और अभी इन्हीं के साथ मेरा शूट है, एक दो वीडियोस शूट करने वाले हैं और उसके बाद आपको मिलता हूँ मैं। ओके गाइस, सो तो अभी जो इनिशियली आपका जो लोधी गार्डन है उसके अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको, और मेरे पीछे चल रहा है कोई आसपास की कंपनी है जो आई है यहाँ पे और वो पूरे प्रोग्राम वगैरह का रखा है इन्होंने पीछे से। आपको मैं उनको फोकस में करके दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे ये देखो लोधी गार्डन के अंदर ये चल रहे हैं प्रोग्राम, काफ़ी लोग आए हुए हैं और काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे चल रहा है। बट जैसा कि मैंने अपने बुद्धा गार्डन वाली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी गार्डन हो दिल्ली का यार, वहाँ पे रोमांस करने वालों की कमी नहीं होती और वो अपनी जगह ढूंढ ही लेते हैं। तो हमें यहाँ पे भी ऐसा एक कोना मिल गया जहाँ पे ये सब चल रहा है, जो कि मैंने अपने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है लोधी गार्डन के अंदर। बट आपको मैं वो वाला कोना भी दिखा देता हूँ, ये गेट नंबर 7 के ऊपर है, तो जिनको आना है भाई आ जाओ, सब चलता है यहाँ पे भी। तो ना ये इधर से गेट नंबर 7 की एंट्री होती है और आप आओगे ना इधर, इधर आना आपको लेफ्ट लेते लेते, और ये वाला जो इलाका है ना यहाँ पे देख लो सब कपल्स ही खड़े हैं, पेड़ से लगे लगे सब दूर दूर तक। मैं झाड़ियों में जा नहीं रहा हूँ यार, क्या फ़ायदा है उनको भी। ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे जाने पे, सब लोगों को फिर खामखाई फील करेंगे वो लोग। भी अच्छा है, मैंने कुछ स्नैपशॉट्स भी लिए हैं टॉम के, और क्योंकि जो मौसम था वो बहुत एकदम अमेजिंग हो रखा था, टाइम था 2 बजे के आसपास का। यार अनफॉर्चुनेटली कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक्चुअली मैंने DSLR कैम की जो कुछ सेटिंग्स थी वो चेंज कर दी थी, तो जो मैंने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने मेरे को बताया कि यार थोड़ा सा फ्रेम रेट वगैरह तुम एडजस्ट करो, क्योंकि मैं तुम्हारी वीडियोस देखता हूँ तो थोड़ी ब्लर आ रही है, तो उस वजह से मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज कर दी थी SJ कैम की, जिससे क्या हुआ कि मैंने क्विक रिकॉर्ड ऑन करा हुआ है। अगर आप लोगों को क्विक रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता, तो क्या होता है कि जब भी मैं अपना SJ कैम ऑन करता हूँ तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है जो ऑन हो जाती है, मेरे को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो ऑफ हो गई थी, तो मेरे को नहीं पता था वो चीज़। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे अप्रोक्स 3 से 4 बजे, आते हुए मैंने वही अपना रिकॉर्डिंग ऑन करा और जो रिकॉर्ड करना होता है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जो आप लोगों को दिखाना था। बट क्या कर सकते हैं यार, अब घर आके देखा तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रखा था, तो सब छोड़ता हूँ यार, जो मेन बताना है आपको, वैसे तो मैं दोबारा करने ही वाला हूँ बट स्टिल फिर भी बता देता हूँ। तो उसकी वीडियो के अंदर मैंने 2 चीज़ें थी कि एक लोधी गार्डन का व्लॉग बनने वाला था और मेरे जो माइलेज टेस्टिंग हो रही थी डोमिनार की वो करने वाला था, तो अब इसी में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब दोबारा तो मेरे को करना पड़ेगा ही वैसे भी। तो जब मैंने आके पेट्रोल भरवाया तो मेरी बाइक में केवल पेट्रोल आया था 55 रुपये का, जो अप्रोक्स बैठा था 850 ml के आसपास, और बाइक चल गई थी 32-33 किलोमीटर। मैं भी खुद चौंक गया था यार, केवल 55 रुपये का पेट्रोल जला है मेरा 30 किलोमीटर में। अरे यार वाह, मतलब 35-36 किलोमीटर सिटी के अंदर है यार, माइलेज दे रही है मेरी बाइक, मैं भी काफ़ी खुश हो गया था। उसके बाद मैं घर आ गया और
घर आके देखा तो यार कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है। एक बार तो यार मैं बड़ा वो हुआ कि यार पूरी मेहनत खराब हो गई, बट यूट्यूबर की लाइफ ऐसी ही होती है यार, कभी कभी गियर्स आपके धोखा दे जाते हैं, तो हर चीज का तो आप बैकअप नहीं रख सकते अपने पास। तो स्टिल अब आप लोगों के लिए मैं दोबारा करने वाला हूँ जल्द ही। कुछ मैंने शॉर्ट्स लिए हैं, कुछ इमेज हैं, कुछ बिहाइंड द सीन्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड करे हैं, एंड वीकेंड फोटोग्राफी कैसे अपनी रिकॉर्डिंग करता है और हम लोग कैसे अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं वो सब मेरे इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगा। जब तक वीडियो आएंगी तब तक डाल चुकाऊंगा या ऑलरेडी आ जाएंगी, तो जाइए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आई एम अमित जैन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ गाइस, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी से बड़ी हो जाए और जल्द से जल्द अच्छी अच्छी मैं आपको लोगों के लिए वीडियोज बनाता रहूँ। और प्लीज़ बेल का आइकन का बटन दबा देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ, मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस जाते जाते हैप्पी न्यू ईयर, विश की सब लोगों की हर ख्वाहिश पूरी हो, राइड सेफ।